महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए महाकाल क्षेत्र के 6 बच्चों को अपनी संरक्षण में लिया है। महाकाल मंदिर के आसपास बच्चों से होटल पर काम करवाने, तिलक लगाने, हार फूल दुकानों पर काम करवाया जाता है, जबकि नाबालिग बच्चों को इस तरह से श्रम नहीं करवाया जा सकता है। वही कई बच्चे भीख भी मांगते हैं। इसको देखते हुए थाना महाकाल क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली। यहां संयुक्त कार्यवाही के तहत 6 नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया है। थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे नाबालिग जो अवारा घूम रहे हैं या किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ कर थाने लाया गया और परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग की गई। ऐसा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य नाबालिगों को शिक्षा ग्रहण करवाकर उचित जीवन यापन करवाना है। देखिए, ये क्या है, राज्य शासन की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की टीम हमेशा काम करती है, इसमें पुलिस का भी सहयोग रहता है। जो बच्चे नाबालिग होते हैं, आवारा रूप से घूमते हैं, निराश्रित होते हैं या समय से पहले उनको किसी प्रकार के धंधों में लगा दिया जाता है, उनको पकड़ कर उनके माता पिता को बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चों से किसी प्रकार का काम नहीं कराया जाए, और अगर उनके माता पिता नहीं होते तो उनको चाइल्ड लाइन को सौंपा जाता है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। आज कितने बच्चों को आज 5-6 बच्चों के लेकर आए हैं, उनके काउंसलिंग की जा रही है, उनके माता पिता को भी बुलाया जा रहा है।